हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। मैं अपने चैनल पर कंप्यूटर नेक्स्ट बेस्ड ऑन विंडो 10 एमएस ऑफिस इस बुक से कंप्यूटर्स के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन क्लास वाइज कर रही हूँ। क्लास 12 में इस प्रकाशन की बुक रहेगी जो CBSE स्कूल की बुक है। इससे मैंने चैप्टर 4 तक आपको एक्सप्लेन करके उसके बुक सॉल्व क्वेश्चन डाल चुके हैं। आज हमारा चैप्टर 5 रहेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी, जो भी पेरेंट्स, टीचर या बच्चे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं या बुक के क्वेश्चन को सॉल्व देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010। इस चैप्टर्स में हम जानेंगे, यू विल लर्न, आप क्या क्या सीखेंगे। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं, स्टार्टिंग एमएस वर्ड, एमएस वर्ड हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 10 के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज रिवन को समझेंगे, बैक स्टेज व्यू, एड कमांड टू क्विक एक्सेस टूल्स बार एंड रूलर। वर्ड प्रोसेसर। Dear children, in the previous chapter, you have learned about working with picture using MS Paint program. पिछले चैप्टर में आपने जाना था MS Paint program को। MS Paint program में picture के साथ हम work कैसे करते हैं। Now in this chapter, you will learn about working with text. अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि टेक्स्ट के साथ हम work कैसे करें। For this, we use program called word processor. इस प्रोग्राम को हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिनसे हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। स्टोर डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर भी कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट एज पर एज आवर नीड। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं जैसे कि हमारी ज़रूरत हो। देयर आर सो मैनी वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल सच एज नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड, पेज मेकर एक्सेट्रा। इस समय अभी बहुत तरह के वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल हैं जैसे नोट पैड, वर्ड पैड, एमएस वर्ड एंड पेज मेकर। ये इसके आपके ऑप्शंस हो जाते हैं, नोटपैड, वर्डपैड एंड पेज मेकर। इस प्रकार के इनके स्क्रीन आपको दिखेंगे। पेज मेकर वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। पेज मेकर पहला डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 बाय अल्डस ऑन द एप्पल मैकिंटोश। इसको इंट्रोड्यूस 1985 में किया गया था, एल्डस ने इसे किया था एप्पल मैकिनेट पर। वर्ड प्रोसेसर इज़ यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज मेकिंग रिपोर्ट, मार्कशीट, राइटिंग लेटर, पोयम, मेकिंग इनविटेशन कार्ड एक्सेट्रा। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग हम विभिन्न पर्पस, विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना, मार्कशीट बनाना, लेटर लिखना, पोयम लिखना एंड इनविटेशन कार्ड बनाना। इसके साथ ही अन्य बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम अब वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं। इट अलाउ टू क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव एंड रीनेम फाइल्स। इसमें हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं एंड फाइल्स के नेम को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट फॉलो टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सच एज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, टेबल इमेज एक्सेट्रा। इसमें हमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को विभिन्न तरह के फॉर्मेटिंग करने का अलाउ रहता है, जैसे फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट की साइज चेंज करना, कलर चेंज करना, टेबल इमेज बनाना, ये सारे ऑप्शंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इट अलाउ टू चेक एंड करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये हमें स्पेलिंग को, करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की भी अनुमति देता है। इट अलाउ टू इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट।
वर्ड प्रोसेसर में हम अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इट अलाउड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, जो भी हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसको हम प्रिंट भी उस डॉक्यूमेंट को करने की अनुमति वर्ड प्रोसेसर में दी गई है। एमएस वर्ड 2010 इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर एमोंग ऑल वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड 2000 सभी वर्ड प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, यह एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? एमएस ऑफिस। स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2010। अब हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। फॉलो दीज स्टेप। नंबर वन, वंस द कंप्यूटर इज ऑन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारा स्टार्ट बटन का सिंबल रहता है लेफ्ट कॉर्नर में। क्लिक ऑल एप्स फ्रॉम स्टार्ट मेनू, उसके बाद हम ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू के ऑल एप्स पर। नंबर थ्री, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम आइकॉन, उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर फॉलोइंग ऑल स्टेप, एमएस वर्ड 2010 अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। ये स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार का एमएस वर्ड अपीयर्स हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। See the above image, you will find different component of Word 2010. Let's learn. अब इसमें हम विभिन्न components को देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा हो जाता है blue line में जो top पर है, ये हमारा title bar हो जाता है। Next हमारा left right पे program layout and control buttons हो जाते हैं। ये हमारा scroll bar हो जाता है, जिसकी मदद से हम left and right, up and down जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो हो जाते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। फिर ये हमारा हो जाता है प्रिंट लेआउट, व्यू ऑप्शन, जूम स्लाइडर यहाँ पर हो जाते हैं। स्टेटस बार में हमें नीचे की एक पट्टी है, इसको स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हम किस पेज पर वर्क कर रहे हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो, ये हमारा विंडो होता है जिस पर हम वर्क करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा हो गया इंसर्टेंट पॉइंट, ये हमारा पॉइंट रिबन हो जाता है और यहाँ पर ये फाइल टैब हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल्स बार, टेबल्स, ये सारे कंपोनेंट्स एमएस वर्ड के होते हैं जो हम टॉपिक वाइज इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो जाता है फाइल टैब, ये इस प्रकार का फाइल टैब यहाँ लेफ्ट टॉप पर ये दिख रहा है, इसमें ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। यू कैन फाइंड दिस टैब एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2010। हम इसे लेफ्ट कॉर्नर के टॉप पर इसको फाइंड कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन मेनू अपीयर्स, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे इसके मेनू अपीयर्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेनू इज यूज टू क्रिएट न्यू फाइल, ओपन, सेव एज एंड प्रिंट फाइल। इसके जो मेनू में क्रिएट ऑप्शंस होते हैं, फाइल, ओपन, सेव एंड प्रिंट आउट, इस तरह के फाइल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विक एक्सेस टूल्स बार, ये प्रकार के क्विक एक्सेस टूल्स बार में ये सिंबल रहते हैं। द क्विक एक्सेस टूल बार इज़ यूज टू प्रोवाइड शॉर्टकट ऑफ फ्यू कॉमनली यूज कमांड सच एज कट, कॉपी, पेस्ट, सेव एसेट्रा। क्विक एक्सेस टूल्स बार इस प्रकार के सिंबल होते हैं, इसमें उन शॉर्टकट को प्रोवाइड किया जाता है जिसे कॉमनली हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, सेव, ये सारे हम बार बार यूज़ करते हैं। इसके शॉर्टकट हमें क्विक एक्सेस टूल्स बार में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार अपीयर्स द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप के ऊपर में जो स्क्रीन के टॉप पर हमें टाइटल बार दिखती है। इट डिस्प्ले द नेम द प्रोग्राम एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट। टाइटल बार में हमें प्रोग्राम्स के नेम एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट का पता चलता है कि हम कौन से प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, ये हमें टाइटल बार से पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल बटन्स। दीज बटन्स अवेलेबल ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार, ये बटन हमें राइट कॉर्नर के
टॉप पर मिलता है। देयर आर थ्री बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसके अंतर्गत तीन बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये हमारा सिंबल मिनिमाइज बटन का होता है। मिनिमाइज बटन इज यूज टू मिनिमाइज द विंडो एट द टास्क बार। इस पर क्लिक करने से हमारा विंडो जो है मिनिमाइज हो जाता है और टास्क बार पर दिखता है। नेक्स्ट ये सिंबल जो है बटन मैक्सिमाइज का होता है एंड विंडो विल फिल द स्क्रीन। इससे क्या होता है, हमारा स्क्रीन पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है और स्क्रीन पर पूरी बड़ी पेज खुल जाती है। एंड लास्ट हो जाता है ये क्रॉस बटन, क्लोज द विंडो। इसको क्लोज करके हम विंडो को, जिस विंडो पर वर्क कर रहे हैं उसको क्लोज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आप हमें यह भी बताएं कि और कौन से चैप्टर पर या कौन से क्लास के आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिसे मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।